अब हम आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो चैप्टर है इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अब एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आज तक आप लोगों ने एसी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, आज तक आप लोगों ने मेनली डीसी के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसी और डीसी में फ़र्क क्या होता है। अब देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एसी और डीसी का आप लोगों ने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा। देखो बच्चे, सबसे पहले हम इस टॉपिक पे आते हैं कि आखिर एसी और डीसी में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहला फ़र्क ये होता है कि डीसी के केस में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लो ये सर्किट है हमारा, ये डीसी सर्किट है, तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से चलेगा और वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। आमतौर पर इसको हम डीसी करंट कहते हैं। डीसी करंट की अगर हम बात करें बच्चों, डीसी करंट के लिए जो सोर्स होता है वो डीसी बैटरी होती है। एसी करंट में फ़र्क क्या होता है, देखो बच्चे, एसी करंट में हमारे पास जैसे ये अप्लाइंस है और सोर्स हमारे पास ये दे रखा है कि एसी सोर्स। एसी सोर्स का सिंबल ऐसा चिड़िया जैसा होता है, ये एसी सोर्स का सिंबल होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते, टू एंड फ्रो करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं। ऑसिलेशन के थ्रू डिवाइस में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डीसी से फ़र्क होता है। अभी हम बच्चों इंट्रोडक्शन पे आ रहे हैं तो हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ बताएंगे कि एसी और डीसी में क्या फ़र्क होता है। बट एसी और डीसी में ये फ़र्क होता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वन डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑसिलेशंस करते हैं। ठीक है, अब देखो अच्छे, अगर हम देखें करंट मान लो एक कॉन्स्टेंट डीसी है। कॉन्स्टेंट डीसी का मतलब क्या हुआ बच्चों, डीसी है और उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो करंट टाइम के साथ ऐसा रहता है, अगर कांस्टेंट डीसी है करंट और टाइम ग्राफ। और अगर हम बात करें एसी की, तो एसी का ग्राफ करंट टाइम जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा नहीं होता, थोड़ा अलग होता है। एसी का करंट टाइम जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, आईटी ग्राफ। अब ये ग्राफ ऐसा क्यों है और ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो डेफिनेट डायरेक्शन में चलता रहता है और यूनिफॉर्म रहता है, मतलब करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है हमेशा और एक फिक्स डायरेक्शन में होती है। इसका ग्राफ ऐसा क्यों है और इसमें फ़र्क क्या है, एक तो इसमें वैल्यू चेंज हो रही है, दूसरा ये ग्राफ नेगेटिव में भी जा रहा है। अब इसका क्या मतलब है, वैल्यू चेंज इसलिए हो रही है कि देखो अच्छे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेशन करते हैं। तो ऑसिलेशन में क्या होता है, जैसे मान लो आप रेस में भाग रहे हो, अगर आप रेस में भाग रहे हो, रनिंग कर रहे हो रेस में, तो अगर आप रेस में रनिंग कर रहे हो तो रनिंग करते हो तो आप एक जगह से भागते हो, फिर दूसरी जगह जाते हो, फिर रुकते हो, उसको टच करके वापस आते हो। या फिर हम मान लीजिए जैसे आप ऑसिलेट करते हो, तो ऑसिलेशन के दौरान आपकी स्पीड बढ़ती है, फिर घटती है, रुकते हो, फिर आप डायरेक्शन चेंज करते हो, फिर भागते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, जैसे मान लो आपको एक रेस में भागना है जहाँ आपको सामने वाली दीवार छू करके वापस आना है, तो इसमें क्या होगा, जब आप भागोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, फिर आपको स्पीड घटानी पड़ेगी, आप उसको छूओगे, फिर वापस आओगे, फिर स्पीड बढ़ाओगे, फिर स्पीड घटाओगे। तो इस ऑसिलेशन के प्रोसेस में अगर हम बात करें तो कोई चीज़ ऑसिलेट करती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है बीच में, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। इस वजह से करंट क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है ऐसे। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, या फिर मान लो रेस इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप भाग रहे हो, ऑसिलेट कर रहे हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, फिर वापस आना है। तो यहाँ से आप भागोगे, बीच में आपकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, फिर यहाँ स्पीड दोबारा से जीरो हो जाएगी, यहाँ जीरो थी फिर से जीरो हो जाएगी। देखो जीरो से चालू हुआ, मैक्सिमम हो गया, फिर से जीरो हुआ, फिर आपको वापस लौटना है, फिर से आपकी स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, फिर से यहाँ जीरो हो जाएगी। तो आप अब यहाँ पर ये नेगेटिव नीचे का मतलब क्या है, देखो अच्छे, जब इलेक्ट्रॉन टू जा रहा है और फ्रो जा रहा है, टू जा रहा है आगे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन अलग हो जाएगी, और वापस आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग। तो पोलैरिटी भी यहाँ क्या होती है, चेंज होती है, और वैल्यू भी चेंज होती है। वैल्यू चेंज क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो चेंज होती रहती है, इसलिए वैल्यू चेंज होती रहती है। और पोलैरिटी की अगर हम बात करें तो पोलैरिटी इसलिए चेंज होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे जाता है फिर वापस आता है, तो इसलिए पोलैरिटी भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इस तरीके से बच्चे ये एसी करंट का ग्राफ होता है। अब हम बात करते हैं बच्चे कि और क्या क्या फ़र्क हमें देखने को मिलते हैं एसी में और डीसी में। हमारे पास ये टेबल है जो आपके नोट्स में दी हुई है, क्या क्या फ़र्क होता है एसी में और डीसी में। तो पहला फ़र्क ये है कि इंट्रोडक्शन में हमने दे रखा है, इनडायरेक्ट करंट द करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। डायरेक्ट करंट में जो करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। एसी में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ एसी द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज चेंजिंग, मतलब चेंज होती है और पीरियडिकली रिवर्स होती रहती है एसी केस में।
अब बात करते हैं करंट की, तो करंट की जो बात करते हैं डीसी में, इधर इसे साइलेंट कर लो बच्चे। इन केस ऑफ डीसी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अगर कॉन्स्टेंट डीसी है तो मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहता है, और इन केस ऑफ एसी द मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम, टाइम के साथ मैग्नीट्यूड क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। एसी के केस में, एसी के केस में एक तो वैल्यू भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, और दूसरा डायरेक्शन भी, पोलैरिटी भी चेंज होती जा रही है। एसी और डीसी की अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चे, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना उसमें साइकिल्स हो रही हैं। इसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती क्योंकि इसमें साइक्लिक प्रोसेस नहीं होता। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी कोई बच्चा बताएगा, इनफाइनाइट या ज़ीरो, बोलो। इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चे ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर बेसिकली साइक्लिक, जो चीज़ें साइक्लिक होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है, कितने टाइम बाद वो रिपीट करेगा। ठीक है बच्चे, उसको हटा दो बच्चे। हाँ ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशंस हुई हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमारी इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी एसी की आती है वो 50 हर्ट्ज आती है। थोड़ा सा मैं बता दूं बच्चों, आप लोगों ने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा, बता देता हूँ। इंडिया में जो एसी करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब एक सेकंड में 50 टाइम्स ऐसी साइकिल हो जाती है। 50 टाइम्स साइकिल्स का मतलब क्या हो जाता है, 50 बार ऐसे हो जाता है एक सेकंड में 50 बार। तो ये काफ़ी, एक सेकंड में 50 बार मतलब काफ़ी ज़्यादा है, समझ में आ रहा है बच्चों। जैसे मान लो एक पंखा है, एक सेकंड में 50 राउंड ले लेता है, कितने राउंड ले लेता है, 50, तो काफ़ी ज़्यादा होता है। एक सेकंड में 50 राउंड बहुत फास्ट माना जाता है, आ रही बात समझ में। तो इसमें भी जो हमारे घरों में करंट आता है उसमें वैल्यू बढ़ने या घटने की जो साइकिल होती है, ये कम्प्लीट साइकिल है। देखो ये कम्प्लीट साइकिल है, इस पूरी साइकिल में क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मतलब ऑसिलेशन में यहाँ गया होगा, फिर वापस आया होगा, आगे भी टू गया होगा, फिर फ्रो वापस आ गया होगा। तो एक सेकंड में 50 साइकिल्स होती हैं, समझ में आ रहे हो बच्चों, 50 हर्ट्ज। इसके अंदर एसी के अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होता है क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करते हैं, जबकि डीसी में नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल का कॉन्सेप्ट होता है। तभी आप अपने घरों में प्लग जो होती है वो ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो, जबकि डीसी में अगर आप कोई डीसी डिवाइस या डीसी बैटरी यूज़ करो तो उसके अंदर जैसे रिमोट्स वगैरह होते हैं, रिमोट्स जो होते हैं उसमें जब हम सेल डालते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बना होता है। या फिर अगर आप देखो जो बाइक की बैटरीज होती हैं या कहीं भी जो घरों में जहाँ बैटरीज आपने देखा होगा यूज़ होती है, वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब रेड और ब्लैक दे रखा होता है। देखो बच्चे, अगर हम बात करें कि एसी और डीसी कैसे ऑप्टेन करते हैं, तो डीसी के लिए हम डीसी सेल्स यूज़ करते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं, और एसी के लिए हम एसी जनरेटर वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एसी और डीसी का फ़र्क होता है। अब इसके अलावा बच्चों, जैसे ये तो हमने फ़र्क पढ़ लिया, बट एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले जब हम बात करें करंट की, तो करंट सबसे पहले हमें डीसी ही मिला था, सबसे पहले डीसी करंट के बारे में पता चला था, और डिवाइस ज़्यादातर डीसी हुआ करते थे। बट एक्चुअली क्या हुआ कि एसी फिर कब पिक्चर में आया, मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या था बच्चों, एक ज़माना था जब कहीं भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ करता था, मतलब जो हम सोच नहीं सकते, कहीं भी लाइट नहीं थी पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी लाइट नहीं थी, मतलब कि जैसे ही शाम हो जाती थी तो अंधेरा हो जाता था, और सिटीज़ में क्या जलाना पड़ता था, मशाल जलानी पड़ती थी, आपने देखा होगा। और ये ज़माना बहुत ज़्यादा दूर का नहीं है बच्चों, कुछ 50-60-70 ईयर्स लगा लो, मतलब सॉरी 70 से ज़्यादा लगा लेते हो, तो कुछ इतने ही है, 70-80 या 100 ईयर मान लो, तो 100 ईयर पहले कई सारी कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। बट ये अगर हम बात करें डेवलप कंट्रीज़ की, तो उनमें थोड़ा सा पहले का और आप ले लो, मतलब जैसे मान लो अगर हम बात करें 1850 की, 1857, 1860, 1880, मतलब 1900 से पहले की, तो कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी उस तरीके से अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि जैसे आप सोच देख रहे हो दिल्ली सिटी है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। तो सबसे पहले एक्चुअली क्या था बच्चों कि जब सबसे पहले बार इलेक्ट्रिसिटी आई, मतलब उसका आविष्कार हुआ, तो पहले सोचा गया उसका कमर्शियल यूज़ करेंगे, फिर बाद में उसे रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करने की सोची गई। अगर आपको रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, क्योंकि पहले किसी के दिमाग में नहीं आता था कि हम इसको रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, करंट तो ठीक है बट हमें पता नहीं था उस करंट का करें क्या। देखो जैसे करंट अगर आपको जनरेट हो रहा है तो ठीक है, आपने कुछ डिवाइस बना लिए जैसे बल्ब बना लिए। देखो जैसे करंट की आविष्कार पहले हुआ, अप्लाइंसेज धीरे धीरे करके आए हमारे पास, जैसे धीरे धीरे करके हमारे पास बल्ब आया, पंखा आया, तो फिर हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी भाई बहुत यूज़फुल है, और इससे हम और भी अप्लाइंस बना सकते हैं। जैसे आज भी धीरे धीरे एसी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, जब इलेक्ट्रिसिटी का हम कैसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, उस एनर्जी को आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करो, बट आपके पास एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो कन्वर्ट कर सके। जैसे बल्ब है, वो एक डिवाइस है जो कन्वर्जन का काम करता है, कौन से एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में,
हीटर किस में कन्वर्ट करता है, हीट में। तो एनर्जी है बच्चे, अब उसको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइस बाद में धीरे धीरे बने। तो उस टाइम देखो बच्चे ठेके, जैसे यहाँ पे अब गैस लाइन के ठेके मिल रहे हैं, IGL को गैस लाइन डल रही है। एक ज़माने में यहाँ पे भी गैस लाइंस नहीं हुआ करती थी, अब गैस लाइन आ गई है। तो अब गैस लाइन यहाँ पर आ गई है तो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और गैस लाइन यहाँ डलना चालू हो गई है। तो उस ज़माने में भी एक्चुअली क्या है कि अमेरिका में ठेके मिले थे, मतलब वे आपको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं कि भाई आपको सिटी में इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। तो उस टाइम देखो जी, उस टाइम साइंटिस्ट लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वो इन्वेंशन करते थे और अमीर लोग उसमें अपना पैसा लगा देते थे। तो सबसे पहले हम आज की कहानी यहाँ से चालू करते हैं कि सबसे पहले जो हम करंट यूज़ करते थे वो DC था, बट फिर AC पिक्चर में कैसे आया। तो जब अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शलाइजेशन और उसको घर के यूज़ के लिए सोचा गया कि उसको जगह जगह तक पहुँचाया जाए, तो डिफरेंट कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट देने की बात की गई। उस टाइम पे दो साइंटिस्ट थे जो करंट के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, एक था एडिसन और दूसरा था टेस्ला। टेस्ला काफ़ी वीक बैकग्राउंड से था, मतलब बट वो काफ़ी मेहनती पर्सन था, उसने एडिसन के यहाँ काम किया। एडिसन टेस्ला को बहुत पसंद करता था, बट एक्चुअली क्या था, बात दोनों में तब बिगड़ी जब दोनों के थॉट्स चेंज हो गए। एडिसन DC को ज़्यादा पसंद करता था और टेस्ला AC को ज़्यादा पसंद करता था, AC करंट को ज़्यादा पसंद करता था। बट सबके अपने अपने लॉजिक से टेस्ला का AC को पसंद करना और एडिसन का DC करंट को पसंद करना, दोनों का अपना अपना लॉजिक था उसके पीछे। क्या लॉजिक था बच्चे बताते हैं, और कौन फाइनली ज़्यादा डोमिनेट कर पाया ये भी बताते हैं। एक्चुअली क्या था बच्चे, AC और DC करंट में एक फ़र्क था। DC करंट ना एक रिपेलिंग करंट होता है, जब हमको शॉक लगेगा तो हमको झटका लगेगा और हम उससे दूर जाके गिर जाएंगे, जबकि AC करंट जो हम लोग घर में होता है वो चिपकाने वाला करंट होता है, ज़्यादा डिजास्ट्रस होता है ह्यूमन बींग के लिए, और अगर हम पकड़े जाएंगे तो चिपक ही जाएंगे। तो इसलिए एडिसन ये कहता था कि AC करंट थोड़ा ख़तरनाक ज़्यादा है, DC करंट रिपेलिंग करंट है, पुश करके धक्का दे देता है, इंसान पीछे गिर जाता है, मरने का खतरा नहीं है, रिपेलिंग करंट है। बट एक्चुअली क्या था, DC के साथ प्रॉब्लम ये थी, DC करंट को हम दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे। दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे कहने का मतलब ये है, देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि अगर एडिसन को कॉन्ट्रैक्ट मिलता तो उसने ये कहा था कि मैं एक पावर प्लांट लगाऊंगा और सिर्फ उसके आसपास के घरों को ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पाऊंगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वायर्स के थ्रू पावर हाउस से हमारे घरों तक पहुँचती है, तो घरों तक जब पहुँचती है तो वहाँ पर हीटिंग अफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी लॉसेस देखने को मिलते हैं, जबकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेस्ला के पास था। देखो बच्चे होता क्या है, अगर हम देखें हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, एक होता है पावर प्लांट, पावर प्लांट से ट्रांसमिशन वायर, ट्रांसमिशन केबल्स के थ्रू ऐसे ऐसे खंभे लगे होते हैं ये, और इन खंभों से होते 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 इलेक्ट्रिसिटी बहुत दूर घरों तक आती है, पहुँचती है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी पाथ ट्रेवल करना पड़ता है, काफ़ी दूरी तक चलना पड़ता है। ऐसे में इतनी लंबी अगर वायर हम यूज़ करेंगे तो करंट जो फ्लो करेगा उसमें हीटिंग इफेक्ट होगा, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से कई सारी इलेक्ट्रिसिटी या कई सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि जो एनर्जी हीट की फॉर्म में होती है लॉस्ट होती है, उसे फॉर्मूले से लिखते हैं I² RT। तो इसका सॉल्यूशन एडिसन के पास नहीं था, इसका सॉल्यूशन टेस्ला के पास था। एडिसन को जब कॉन्ट्रैक्ट देने की बात की तो उसने कहा कि भैया मुझे तो हर लोकेलिटी के पास एक पावर प्लांट लगाना पड़ेगा। तो एक जोक बन गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। घरों के आसपास पावर हाउस लगाना काफ़ी ठीक नहीं है, क्योंकि उस टाइम तो वैसे ही कोल पावर प्लांट हुआ करता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन का कारण होता है। टेस्ला ने गवर्नमेंट को कहा मैं ऐसा कर सकता हूँ, बहुत दूर पावर प्लांट लगा दूँ और उसके बाद घरों तक सप्लाई दे पाऊँ। उसने कहा मैं AC करंट यूज़ करूँगा, जबकि एडिसन DC करंट यूज़ कर रहा था। तो ऐसा क्या फ़र्क होता है AC और DC में, जिससे DC के अंदर ट्रांसमिशन लॉसेस को कम नहीं किया जा सकता और AC के अंदर ट्रांसमिशन लॉसेस को कम किया जा सकता है? तो देखो अच्छा, AC और DC में एक फ़र्क ये होता है कि AC के केस में ट्रांसफार्मर्स यूज़ किए जा सकते हैं। इस चैप्टर में हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा घरों के आसपास ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर घरों के आसपास लगे होते हैं, कोई भी नगर निगम का स्कूल है उसके आसपास लगे हुए होते हैं ट्रांसफार्मर, कई जगह आपने देखा होगा यहाँ पर।
तो ये ट्रांसफार्मर मेनली डीसी के साथ चल ही नहीं सकते, सिर्फ ये एसी के साथ काम कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो वोल्टेज करंट को बड़ा घटा सकता है। देखो जब पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, एक्चुअली क्या होता है पावर हाउस में जो पावर जनरेट होती है उसमें काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट ऑफ करंट होता है, करंट की वैल्यू अच्छी खासी होती है, मतलब मैग्नीट्यूड अच्छा खासा होता है। अगर पावर हाउस से जो हमने करंट प्रोड्यूस किया है उसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा है, अगर करंट ज़्यादा होगा तो हीट लॉस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो डीसी में कोई सोर्स नहीं है, करंट को घटा वटा नहीं सकते, तो डीसी के केस में हीट लॉस होगा और जितनी लंबी वायर होगी उतना हीट लॉस ज़्यादा होगा। एसी के केस में क्या होता है, जुगाड़ होता है। क्या जुगाड़ होता है बच्चों, एसी के केस में हम दो ट्रांसफार्मर यूज़ कर लेते हैं जिसकी हेल्प से करंट को बड़ा घटा सकते हैं और घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देते हैं। एसी के केस में दो टाइप के ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन, दोनों ही यूज़ करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि कोई सा भी एक यूज़ कर लो। जब पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस टाइम हम क्या करते हैं, देखो जब पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट तो करंट ठीक ठाक होता है, तो स्टेप अप का काम क्या होता है बच्चे, स्टेप अप वोल्टेज से एसोसिएटेड होता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देगा करंट क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पावर ओवरऑल पावर क्या रहती है, सेम रहती है। ये सिर्फ एसी के केस में ही हो सकता है, जो ट्रांसफार्मर है सिर्फ एसी के केस में काम कर सकते हैं। पावर हाउस के बगल में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया जिसने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा दिया, करंट को घटा दिया। कोई बच्चा बताएगा करंट को घटाने से फ़ायदा क्या हुआ हमको, अगर कम करंट होगा वायर के थ्रू तो हीट लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हीट लॉस होगा तो जो ट्रांसमिशन केबल्स हैं, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन केबल देखिए बच्चों, गांव खेतों से होते होते जाती बड़ी बड़ी, तो वहां पर जो केबल से करंट फ्लो कर रहा है उसमें हीट लॉस का चांस कम होगा, उसको काफ़ी दूर तक ले जाया जा सकता है। बट फिर जब वो ट्रांसमिशन केबल घरों के आसपास पहुंच जाती है तो घरों के आसपास सब स्टेशंस और ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं उसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने का क्या मतलब है, वो फिर से क्या करते हैं, वोल्टेज को घटा देते हैं और करंट को बढ़ा देते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाइंसेस को दोगे हमारे घरों में तो हमारे अप्लाइंस क्या हो जाएंगे, फूक जाएंगे, क्योंकि हमारे अप्लाइंस 220 वोल्ट पे काम करते हैं। अगर आपने देखा होगा लिखा रहता है अगर उनको 440 या ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो फूक जाएंगे, इसलिए आपने देखा होगा जब हम ट्रांसफार्मर के आसपास से गुजरते हैं तो उस पर डेंजर का सिंबल लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है खतरा, ठीक है। तो चक्कर क्या होता है बच्चे, क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर जो हमारे घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, स्टेप डाउन होता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है, जो हाई वोल्टेज आ रही है उसको घटा देना, और उसका जो इनपुट होता है हमारे घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर होता है उसका इनपुट में वोल्टेज हाई होती है और आउटपुट में वोल्टेज कम कर देता है फाइनली, तो हमारे घरों तक जो वोल्टेज आती है वो रिड्यूस हो जाती है और करंट बढ़ जाता है फिर से और सप्लाई किया जाता है। ये डीसी के केस में पॉसिबल नहीं है। जब हम आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे इस चैप्टर में तो आपको बताएंगे कि ट्रांसफार्मर डीसी के केस में पॉसिबल क्यों नहीं है। अगर डीसी के केस में ट्रांसफार्मर लगाना पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब हम करंट को बड़ा घटा नहीं सकते मनचाहे तरीके से, और अगर करंट को बड़ा घटा नहीं सकते तो हम एफिशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो यहीं पर टेस्ला जीत गया और एडिसन हार गया। एडिसन ने कहा कि भाई मैं तो डीसी यूज़ करूँगा, सारे डिवाइस मेरे डीसी होंगे, मशीन सारी डीसी होंगी, बट मुझे हर लोकेलिटी के पास एक पावर हाउस लगाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी अगर हम ट्रांसफ़र कराएंगे भी तो एनर्जी लॉसेस हो जाएंगे। जबकि टेस्ला ने एक प्रपोजल रखा गवर्नमेंट के आगे, उसने कहा मैं 100 किलोमीटर दूर पावर हाउस पावर प्लांट लगा दूंगा सिटी से बहुत दूर, ताकि सिटी में पॉल्यूशन ना हो कोल का। बाद में जब गवर्नमेंट ने देखा तो गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट के हिसाब से भले ही डीसी थोड़ा सेफ भी हो एसी के कंपैरिजन में, बट गवर्नमेंट ने कहा कि डीसी को यूज़ करना हमारे लिए एफिशिएंटली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घरों के आसपास हम पावर हाउस किसी भी कीमत पे नहीं लगा सकते हैं। बाद में इसलिए हमने एसी करंट को ऑप्ट किया और अभी हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है इंडिया में, यूरोप में या किसी भी कंट्री में, वो डीसी ही आती है। खैर अब सॉरी एसी आती है, जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एसी आती है। और एक्चुअली क्या है, ऐसा नहीं है कि हम एसी ही यूज़ करते हैं डीसी यूज़ नहीं करते, कहीं कहीं डीसी भी यूज़ होता है, जैसे चाइना वगैरह अपनी जो बुलेट ट्रेन्स वगैरह है उसके अंदर कहीं कहीं जगह एसी करंट को भी यूज़ करता है मेजर तौर पे। बट घरों में हाउस होल्ड अप्लाई हाउस होल्ड के लिए जो है हम एसी ही यूज़ करते हैं,
कहीं कहीं डीसी यूज़ कर लेते हैं, बट इंडिया में तो देखो जी डीसी बहुत छोटे स्केल पे ही यूज़ किया जाता है, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं, छोटे मोटे जो रिमोट रिमोट के डिवाइस होते हैं उसमें हम डीसी यूज़ करते हैं। बड़े स्केल पे हम लोग जो करंट ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं वो हम लोग एसी ही यूज़ करते हैं। तो ये कहानी है बच्चों यहाँ की। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि एसी और डीसी के कंपैरिजन में एसी क्यों जीता और डीसी क्यों हार गया, क्योंकि डीसी में ट्रांसमिशन हम दूर तक नहीं कर सकते। देखो बच्चों हमारे पास ये नोट्स है, इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं एसी और डीसी दोनों के। ऑल दो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं है ये अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट देखो जनरल नॉलेज हर बच्चे को होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, कुछ कुछ फ़र्क है जो हम देख लेते हैं। पहला फ़र्क ये है कि एसी जनरेशन थोड़ा चीप पड़ती है डीसी जनरेशन से। क्यों पड़ती है, क्या पड़ती है, अभी हमारा कोई मोटिव नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना है क्या क्या फ़र्क। कोई नहीं बच्चे, बस बात सिर्फ ये है, हमको सिर्फ पढ़ना है क्या क्या होता है। तो एसी की जनरेशन, क्योंकि जो हमारे अप्लाइंसेस होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उस कंपैरिजन में एसी सस्ता पड़ता है। एसी मशीन सिंपल होती है, रोबस्ट होती हैं, उनको रिपेयर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मेंटेनेंस की। काफ़ी अलग अलग वोल्टेज हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं। एसी को हम आराम से डीसी वीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कन्वर्जन बहुत सिंपल सा होता है। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं कि एसी में एनर्जी लॉसेज भी कम होते हैं। तो ये एसी के एडवांटेजेस हैं ओवर डीसी, और डीसी के भी कुछ एडवांटेज होते हैं कि एसी में अगर आप कोई बंदा छुए तो वो अट्रैक्ट हो जाता है, डीसी उसको रिपेल कर देता है। एसी और डीसी के वायर में फ़र्क होता है, एसी के वायर में स्ट्रैंड्स होते हैं और डीसी के वायर में एक पतली सी वायर होती है। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा बच्चे क्या होता है एसी डीसी में, थोड़ा सा फ़र्क बताता हूँ। एसी में इंसुलेशन काफ़ी अच्छी चाहिए होती है, ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ी होती है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो चेकली ऑल दो बीच में कोई कमेंट नहीं करेगा, आप बस ध्यान से सुनना। एसी और डीसी की वायर्स में भी फ़र्क होता है। जैसे मान लो बच्चे आपने देखा होगा घर में अगर कोई वायर उसको हम जलाएं तो उसमें पतली पतली से धागे से होते हैं, देखा है, उसको हम यूं करते हैं, धागा मतलब थ्रेड्स लाइक कॉपर वायर होती है, गोल्डन गोल्डन पतली। एक वायर नहीं होती है एसी के केस में, वायर को आप छिलो तो उसके अंदर वायर के अंदर पतली पतली सी वायर्स होती हैं, थ्रेड्स वाली टाइप की वायर्स होती हैं। एसी में ऐसा होता है और डीसी में एक मोटी वायर यूज़ होती है। अब क्यों होती है, क्या होती है, उसके पीछे आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे बच्चे, क्योंकि दोनों में करंट फ्लो का थोड़ा मैकेनिज्म भी चेंज हो जाता है। बट एक्चुअली क्या होता है कि एसी में स्ट्रैंड्स होते हैं, ऐसे पतली पतली वायर्स होती हैं, डीसी में एक थिक वायर सफिशिएंट होती है। तो ये कुछ फ़र्क होते हैं जो हम लोग देखते हैं, जो कि हमारे लिए थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब सीधे सीधे बच्चे हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है, चलो। देखो बच्चों जब हम लोग एसी और डीसी की स्टडी करते हैं, तो मैंने जैसे बताया था आपको डीसी में करंट के लिए फिक्स होती है, एसी में करंट के लिए फ्लक्चुएटिंग होती है, और वैल्यू भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। अब बात यहाँ पर यह आती है, एक खास बात आती है, आरएमएस करंट एंड आरएमएस वोल्टेज, ये चीज़ क्या होती है बच्चे ध्यान से सुनना। देखो डीसी में तो फिक्स वैल्यू है, जैसे मान लो 10 एम्पेयर है तो 10 एम्पेयर ही है, करंट की वैल्यू फिक्स है, 10 एम्पेयर है तो 10 एम्पेयर है। बट इसके अंदर क्या है कि वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है। मान लो हमारे पास ये एसी करंट है, तो डीसी को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं 10 एम्पेयर का डीसी करंट, जबकि हमें एसी करंट को डिफाइन करना होता है तो कई बार हम उसे पीक वैल्यू से डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये एसी है, जैसे मान लो ये एसी है, ये 10 एम्पेयर का ये एसी करंट है, इसमें 10 एम्पेयर क्या है, पीक वैल्यू है। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या ये दोनों सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे? जैसे मान लो एक वायर से हमने इन दोनों करंट को फ्लो कराया, क्या ये सेम वैल्यू इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे? कौन किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, किसका कम होगा? एसी का ज्यादा होगा, नहीं एसी का कम होगा, डीसी का। बताओ क्यों? सेम होगा सर, आप डीसी का ज्यादा होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है और एसी का फ्लक्चुएट होगा। आप ये कहोगे सर ये तो 10 तो हमेशा ही हमेशा है, ये तो 10 मैक्सिमम जा रहा है, तो इसकी एवरेज वैल्यू 10 थोड़ी है, कभी 0 से 10 जा रहा है, फिर 10 से कम हो जा रहा है, तो इफेक्टिवली 10 के बराबर नहीं है ये, 10 तो इसका क्या है, मैक्सिमम है, तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू कम होगी। इफेक्टिव वैल्यू 10 से क्या होगी, कम, क्योंकि तो बढ़ घट रहा है। एवरेज वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो हम
एक टर्म यूज कर रहे हैं मैंने यहाँ यूज किया इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू मतलब कोई चीज बढ़ती और घटती है, इफेक्टिवली एवरेजली वो कितना एक्चुअल में डीसी के बराबर करंट दे पाएगी। क्या 10 एम्पीयर पीक वाला एसी 10 एम्पीयर डीसी के बराबर करंट दे पा रहा है एक्चुअल में? नहीं दे पा रहा, क्योंकि इसमें वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है, इसमें कैसी है वेरिएबल वैल्यू है। जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा। हाँ, जितना 10 एम्पीयर मतलब ऊपर नीचे के अच्छे वो पीक में पीक वैल्यू है। तो एक्चुअली क्या है कि ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। मान लो दो वायर से मैं करंट फ्लो कराता हूँ, एक से 10 एम्पीयर वाला डीसी और एक से 10 एम्पीयर पीक वाला एसी, क्या दोनों सेम हीट प्रोड्यूस कर पाएंगे अगर सब कुछ सेम है, आर और टी रेजिस्टेंस और, क्योंकि हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बोलो? क्या सेम हीट प्रोड्यूस कर पाएंगे दोनों? नहीं, क्योंकि इफेक्टिवली इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है बट इसकी ओवरऑल वैल्यू 10 नहीं है। तो फिर इसकी ओवरऑल वैल्यू कैसे या एवरेज वैल्यू कैसे निकालें? यहाँ पर ओवरऑल या एवरेज या इफेक्टिव वैल्यू को हमने नाम दिया है, उसको हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू। क्या कहते हैं? आरएमएस। तो यहाँ पर इसकी आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो बच्चे, आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। खैर अभी हमें इससे मतलब नहीं है, बट ध्यान रखना बच्चे, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है, देखो बच्चे आरएमएस वैल्यू जो होती है वो पीक वैल्यू से निकाली जाती है। ये होती है पीक वैल्यू बाय रूट टू। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये 10 एम्पीयर पीक वाला एसी है, बट इफेक्टिवली देखा जाए तो ये एवरेजली कितना करंट दे रहा होगा? अप्रॉक्सीमेटली 10 बाय रूट टू कितना हो जाएगा बच्चे बोलो? 5 रूट टू कितना हो जाएगा? 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1.4 से। कितना आ जाएगा कोई बच्चा बताएगा? 7.2 एम्पीयर करीब। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका इफेक्टिव करंट डीसी के 7 आ रहा, ठीक है सॉरी 7 आ रहा है। इफेक्टिव करंट इसका कितना हुआ? करीब 7 एम्पीयर। मतलब कहने का मतलब क्या है? इधर देखो, 10 एम्पीयर पीक वाला एसी इफेक्टिवली कितना करंट दे रहा है? इतना। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 10 एम्पीयर पीक वाला एसी 10 एम्पीयर के डीसी के बराबर होगा, 10 एम्पीयर के डीसी के बराबर होगा। देखो बच्चे, जब हम लोग एसी करंट की बात करते हैं तो एसी करंट की रिप्रेजेंटेशन या एसी करंट के बारे में इंफॉर्मेशन जब हम देते हैं तो दो तरीके से देते हैं। कहते हैं ये 10 एम्पीयर पीक वाला एसी है, समझे? ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई 10 एम्पीयर पीक वाला एसी। या तो इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, कहेंगे कि ये जो एसी करंट है इसकी आरएमएस वैल्यू क्या है? 7 एम्पीयर है। आरएमएस वैल्यू 7 एम्पीयर में क्या होता है, हम उसको एवरेज आउट कर लेते हैं। एवरेज आउट मतलब फ्लक्चुएशन को हम क्या कर देते हैं? फ्लक्चुएशन को हटा के कॉन्स्टेंट वैल्यू मान सकते हैं। मान लिया फ्लक्चुएट हो रहा है 0 से 10, 10 से, बट इफेक्टिवली ये 7 एम्पीयर के डीसी के बराबर की हीट प्रोड्यूस कर सकता है। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? चलो बच्चे, हम इसी के नाम पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं इसे लिखने से पहले। तो ये क्वेश्चन, ये बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें कितनी पीक करंट का करंट होना चाहिए एसी का, पीक करंट एसी का कितना हो ताकि वो 5 एम्पीयर डीसी के इक्विवेलेंट हो। कितना पीक करंट हो एसी का ताकि वो 5 एम्पीयर डीसी के इक्विवेलेंट हो या इक्विवेलेंट हीट प्रोड्यूस कर पाए। बच्चे हमने आपको क्वेश्चन दिया कि कितना एसी का पीक करंट हो ताकि 5 एम्पीयर डीसी इक्विवेलेंट के बराबर हो। आरएमएस वैल्यू जो होता है वो डीसी इक्विवेलेंट ही होता है एक तरीके से। तो जैसे कि हमें डीसी इक्विवेलेंट मतलब 5 एम्पीयर दे रखा है, आरएमएस की जगह 5 ले लेंगे, पीक वैल्यू चाहिए। पीक वैल्यू कितनी होनी चाहिए बोलो? 5 रूट टू। अगर हम 5 रूट टू एम्पेयर वाला एसी करंट लेंगे तो वो 5 एम्पेयर के डीसी के बराबर होगा। जैसे मान लो अच्छे ग्राफी हम ग्राफिकली आपको दिखा देते हैं। जैसे अगर हम कहें, जैसे एक मिनट देख लो बच्चे, रुक जाओ बच्चे। अगर हम किसी एक वायर से 5 एम्पेयर का डीसी करंट फ्लो करा रहे हैं, मान लो ये डीसी है, 5 एम्पेयर का डीसी करंट फ्लो करा रहे हैं, और हमारे पास एक और वायर है जिससे हम लोग एसी करंट फ्लो करा रहे हैं, बट एसी करंट को हम लोग कई बार पीक वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बुलाते हैं पीक वैल्यू के व्याप पे बुलाते हैं। ये हमारा एसी है,
अगर मैं चाहता हूँ कि एक वायर से डीसी फ्लो कराएं 5 एम्पेयर का और एक वायर से एसी फ्लो कराएं, दोनों सेम हीट प्रोड्यूस करें, तो इसकी पीक वैल्यू 5√2 एम्पेयर होगी, तब जाके ये दोनों एक दूसरे के बराबर हीट प्रोड्यूस कर पाएंगे। क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ और घट रही है, तो एवरेजली 5√2 वाला एसी 5 एम्पेयर तक का इफेक्टिव वैल्यू देता है। समझ में आया? समझ में आया? जैसे इसकी इफेक्टिव वैल्यू निकालनी है, इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है? आरएमएस। तो क्या होता है? पीक वैल्यू बाय रूट टू। तो पीक वैल्यू कितनी है? 5√2/√2। तो ये करीब करीब कितना इफेक्टिवली कितना दे रहा है? 5 एम्पेयर, क्योंकि 5√2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है? मैक्सिमम। कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे पेपर होता है और 100 में से एक सब्जेक्ट में 91 मार्क्स आ जाते हैं, बाकी में कम आते हैं, कहते हैं मेरी 91% है, मैक्सिमम वाले का मार्क्स बता के उसी को परसेंटेज बना देते हैं। तो इसका मतलब 91% नहीं है आपकी, आपको क्या करना है? एवरेज आउट करना है। तो बतानी पड़ सकती है। इस क्वेश्चन में हमने पीक वैल्यू निकाली है कि पीक वैल्यू इतने इतने पीक वाले वैल्यू डीसी डीसी के बराबर होगा। हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है, अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट आरएमएस करंट का ये फॉर्मूला होता है और आरएमएस वोल्टेज का ये फॉर्मूला होता है। इधर देखो बच्चे, बोर्ड पे एक मिनट रुक जाओ, इधर देखो। हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आरएमएस करंट का ये फॉर्मूला है, आरएमएस वोल्टेज का ये फॉर्मूला है। अब हम एक चीज़ आपसे डिस्कस करेंगे, इधर देखो बच्चे, एक मिनट रुको, इधर देखो। ये फॉर्मूले दो हमारे पास है। हम लोग कहते हैं कि हमारे जो अप्लाइंसेज हैं उसमें लिखा होता है हमारे घरों में 220 वोल्ट आ रही है। आपको क्या लगता है बच्चे, 220 वोल्ट? क्योंकि हम एसी में दो चीज़ें बताते हैं, एक बताते हैं पीक, एक बताते हैं आरएमएस। आपको क्या लगता है, ये 220 पीक वोल्ट होगी या आरएमएस वैल्यू होगी? हमारे घर में, हम आपको पता है ना, इतना तो पता होगा, हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है? 220 अप्रोक्सीमेटली। तो ये आरएमएस होगा या पीक होगा? देखो बच्चे, इधर देखो, रुको इधर देखो, देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, अगर हम ये कह रहे हैं, मैं एक लाइन यूज़ कर रहा हूँ, जैसे इंडिया में 220 वोल्ट एसी करंट यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अगर इस लाइन में पीक लिखा होता तो पीक होता, और अगर पीक नहीं लिखा होता तो आरएमएस एवरेज वैल्यू है। मतलब इंडिया में जो वोल्टेज आती है वो 220 एवरेज वोल्टेज क्या है? 220 एवरेज मतलब इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू कुछ भी बोल सकते हो अपने हिसाब से। इसका मतलब कि जो इंडिया में वोल्टेज की साइकिल होती है, जैसे फ्लक्चुएशन होता है, देखो अच्छे, एसी में वोल्टेज भी फ्लक्चुएशन होता है और करंट भी फ्लक्चुएट करती है, ऐसे साइक्लिक होती है, एसी साइक्लिक होती है। तो क्या इंडिया में 220 वोल्ट पीक जाता होगा या कितना जाता होगा? पीक वैल्यू कितनी होती होगी? आरएमएस वैल्यू कितनी है? 220। तो पीक वैल्यू कितनी जाती होगी? 220√2 वोल्ट। अगर हमें इंडिया के हिसाब से वोल्टेज टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो पीक वैल्यू में लिखूंगा 220√2। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी बच्चे, इसकी देख लेना कितनी, 311 आ जाएगी, नोट्स में लिखा हुआ है, 311 वोल्ट आ जाएगा करीब करीब, अरे जो भी है अच्छे कर लेना। देखो अच्छे, रूट टू की वैल्यू होती है 1.41, रूट टू की वैल्यू होती है 1.41। क्या आपने 1.41 लगाया? 1.41 होती है। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे घरों में जो करंट आ रहा है, जो कि एसी करंट है, उसमें वोल्टेज बढ़ती घटती रहती है और पीक कितनी जाती है? 0 से लेके 311 तक जाती है, फिर 311 से 0 जाती है, बढ़ती और घटती रहती है, बट इफेक्टिवली उसका बढ़ना या घटना 220 वोल्ट के एसी डीसी के बराबर होता है। मतलब अगर एवरेज आउट किया जाए तो हमको करीब करीब एवरेजली कितना मिलता है, इफेक्टिवली कितना मिलता है? 220। क्योंकि बच्चे देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पीक वैल्यू होती है आमतौर पर, इफेक्टिव वैल्यू ही इंपॉर्टेंट होती है। समझ में आया? हम ये देखते हैं, जैसे ज़िंदगी में मैंने 5 लाख रुपए कमा लिए, फिर अगर उसमें कुछ लॉस भी हो गया तो हम फाइनली एवरेज आउट करते हैं कि क्या हुआ क्या गया, उसको फाइनली देखते हैं। तो यहाँ ये बढ़ रहा है घट रहा है, और एवरेजली जो वैल्यू देगा वो कितनी देगा? 220 वोल्ट देगा। मतलब इफेक्टिवली कितनी देगा? 220। तो हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो
उसकी आरएमएस वैल्यू 220 होती है या डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू 220 होती है या इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है 220 होती है, उसकी पीक वैल्यू 220 नहीं होती है। मतलब वोल्टेज जो जाती होगी साइक्लिक फॉर्म में, क्योंकि एसी करंट फ्लो कर रहा है तो साइकिल्स होती हैं, वोल्टेज घटती बढ़ती रहती है कंटिन्यूसली, हमको नहीं शो होता क्योंकि हमारे अप्लाइंसेस कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन होते हैं जो हमको फ्लिकरिंग नहीं दिखाई देती है। कई बच्चों का क्वेश्चन ये भी होता है कि सर एसी करंट में तो वैल्यू चेंज हो रही है, फ्लिकरिंग क्यों नहीं दिखती है? एक तो इसकी साइकिल का रेट बहुत ज़्यादा होता है, 50 हर्ट्स साइकिल होती है हमारे घरों में, 50 हर्ट्स मतलब एक सेकंड में 50 टाइम्स बहुत ज़्यादा होता है बच्चे। एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लिकर भी करे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली देखो बच्चे, जो मूवी होती है, मूवीज़ जो होती है हम देखते हैं, मूवीज़ नहीं होती, वो पिक्चर्स होती हैं। अगर एक सेकंड में हमारे सामने से 50 पिक्चर जल्दी पास करे तो हमको मूवी की तरह लगेगी। तारे ज़मीन पे देखी थी बच्चे, उसमें वो कॉपी होती है, फिर हम लोग कॉपी को यूँ करते हैं तो फोटो आगे बढ़ती बढ़ती दिखती है, तो हमको फ्लक्चुएशंस किसी भी फॉर्म में, मतलब वीडियो नहीं होती, सब कुछ पिक्चर होता है। हाँ, जो हमारी वीडियो फोटो, ये जो मेरा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ये एक सेकंड में 50 या 100 फ्रेम्स रिकॉर्ड कर रहा है, 100 फोटो रिकॉर्ड कर रहा है, उसको आगे चला के दिखा रहा है, फ्रेम्स दिखा रहा है, ठीक है। देखो बच्चों, हमारे घरों में जो एसी कर, आप लोगों को तकलीफ क्या है बच्चे, कुछ कीड़ा वीड़ा तो नहीं है बच्चे? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बच्चे, देखो बच्चों, हमारे घरों में जो एसी वोल्टेज है जिसकी पीक वैल्यू 220√2 वोल्ट है और इफेक्टिव या आरएमएस वैल्यू हमारे पास 220 वोल्ट होती है, हमारे घरों में जो एसी आता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज होती है। हम दो टर्म यूज़ करते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज होती है, एक टर्म होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये 2π ν के बराबर होती है, इसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब फ्रीक्वेंसी तो फिर भी होता है, 50 हर्ट्ज का मतलब 50 साइकल्स पर सेकेंड, बट इस ओमेगा कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बट ओमेगा निकालना है तो 2π ν फॉर्मूला होता है, 2π से 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100π आ जाएगा, जो कि 314 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इतनी होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का अभी हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस आपको एक टर्म है वो याद रखनी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम साइक्लिक चीज़ों के यूज़ करते हैं जो एक डेफिनेट इंटरवल बाद रिपीट करती है, क्योंकि वो साइन या कॉस इक्वेशंस में काम आती है। जो हमारे घरों में करंट आता है एसी, तो एसी साइनोसॉइडल करंट होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसको हम लोग साइनोसॉइडल वैल्यू से शो करते हैं। जब हम लोगों ने 11th क्लास में ऑसिलेशन भी पढ़ा था तो आपने देखा होगा बच्चे, ऑसिलेशन को हम साइनोसॉइडल फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिपीटिव या पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम एसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, V=V0 sin ωt, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें V0 क्या होता है, पीक वैल्यू होती है। तो हम लोग अपने इंडिया के लिए जो वैल्यूज़ हैं उसको पुट कर देते हैं, इंडिया के लिए जो पीक वैल्यू इतनी है या फिर 311 वोल्ट है, तो ये हमारी इंडिया के लिए जो इक्वेशन बनती है, 311 पीक वैल्यू आ गई, ओमेगा कितना हो गया, 314 हो गया, तो इंडिया के लिए ये इक्वेशन होती है वोल्टेज की। रही बात ये, क्या सभी कंट्री में सेम वोल्टेजेस यूज़ होती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है? नहीं, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करते हैं। इंडिया में 220 वोल्ट यूज़ होती है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ की यूज़ होती है। इंडिया में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ चलता है, अमेरिका में नहीं चलता है, अमेरिका में 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज़ चलता है, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज़ चलता है। क्यों इंडिया में ये क्यों चलता है? क्योंकि इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, यूरोप में ज़्यादातर 220 50 चलता है, क्योंकि ब्रिटिश ने वही इंट्रोड्यूस किया था, अमेरिकन लोगों ने वो इंट्रोड्यूस किया था, उनको अपने हिसाब से। क्या दोनों की मशीन सेम होती है? नहीं, दोनों की मशीन अलग अलग होती है। मोबाइल फ़ोन लैपटॉप की बात नहीं कर रहा, बड़ी मशीन्स की बात कर रहा हूँ, जैसे पंखा कूलर। अगर आपको पंखा कूलर लेके आना हो अमेरिका से इंडिया में, आप नहीं यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस रेंज में यूज़ किए जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई चार्जर है मोबाइल फ़ोन का, तो आप उसमें पढ़ना, उसको लिखा होगा कि दिस चार्जर कैन बी यूज्ड फ्रॉम 100 to 240 वोल्ट, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जो वेरिएबल चीज़ें सह सके और उसको मैनेज कर सके, बट बाकी इक्विपमेंट ऐसे नहीं होते हैं। अगर इंडिया का पंखा अमेरिका ले जाओगे
काम नहीं करेगा ढंग से, क्या भी होगा वो मुझे देखना पड़ेगा। बट ये है कि उस तरीके से फंक्शनिंग नहीं शो करेगा, या अमेरिका का नहीं शो करेगा इंडिया में। अलग अलग कंट्री का अलग अलग हिसाब है, जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी उनमें सेम चलता है इंडिया का जो चलता है, बाकी जो कंट्रीज़ में अलग हिसाब है, बाकियों में अलग, कईयों में अलग चलता है। तो आप देखना एक टेबल है नेट पे, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सी कंट्री किस तरीके करंट या किस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करती है।